जिम्बाब्वे के खिलाफ भारत की शर्मनाक हार पर पूरे साउथ अफ्रीका ने उड़ाया मजाक। बड़े बड़े दिग्गजों ने कही ऐसी बातें जिसे सुनकर आपका भी खून खौल उठेगा। वहीं एक ने कहा कि तुक्के से वर्ल्ड कप जीता था भारत। भारत के युवा खिलाड़ियों ने एक मैच में ही सीनियरों को कर दिया शर्मिंदा। जिस टीम को कल तक लोग सलाम ठोक रहे थे वो आज जहर उगल रहे हैं। तो क्या है खबर की पूरी जानकारी, किस तरीके से दोस्तों भारतीय टीम ने यहाँ पर एक ऐसा मुकाबला खेला जो जिम्बाब्वे के खिलाफ था, जिसे भारतीय टीम हर हालत में जीतना चाहती थी, पर उस मुकाबले में टीम इंडिया को हार मिली और उस हार के बाद जो सीनियर्स की जीत थी उस पर पानी फिर गया। दरअसल दोस्तों भारतीय टीम ने हाल ही में वर्ल्ड कप का फाइनल खेला। अरसे बाद भारतीय टीम किसी वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची थी। वर्ल्ड कप फाइनल हुआ साउथ अफ्रीका के खिलाफ, जहां कांटे के मुकाबले में टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका को 7 रनों के अंतर से हरा दिया। अब साउथ अफ्रीका को टीम इंडिया ने जैसे ही हराया वैसे पूरे विश्व भर में भारत की वाहवाही होने लगी, क्योंकि भारत ने कई सालों बाद एक आईसीसी इवेंट जीता। एक तरफ जहां आईसीसी ट्रॉफी भारतीय टीम ने उठाई, वहीं भारतीय फैंस का एक बार फिर से खुशी का ठिकाना न रहा। भारतीय फैंस खुशी से पागल उठे क्योंकि टीम इंडिया अरसे बाद टूर्नामेंट जीती थी। अब भारतीय टीम जैसे ही फाइनल जीती उसके बाद यहां पर मुंबई में एक बड़ा रोड शो भी हुआ और काफी तारीफें भी हुई भारतीय टीम की। लेकिन उसके बाद भारतीय टीम पहुंच गई यहां पर जिम्बाब्वे के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज खेली, जिसका पहला मुकाबला हरारे में खेला गया। इस मुकाबले में जब टॉस हुआ तो टॉस यहां पर इंडिया ने जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, और गेंदबाजों ने तो वैसा ही प्रदर्शन किया जैसे पूरे टी20 वर्ल्ड कप में भारत के बल्लेबाजों और गेंदबाजों ने किया था। बेहतरीन प्रदर्शन, 20 ओवर्स में 115 पर जिम्बाब्वे को ऑल आउट कर दिया। लेकिन टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने पूरी तरीके से टीम इंडिया को निराश कर दिया। बिल्कुल ही नए बल्लेबाजों की इस लिस्ट में अभिषेक शर्मा फ्लॉप गए, सुमन गिल फ्लॉप गए, ऋतुराज गायकवाड़ फ्लॉप गए, रियान पराग, रिंकू सिंह फ्लॉप गए, ध्रुव जुरेल तक फ्लॉप चले गए, और भारतीय टीम के टेलेंडर्स ने इनसे सबसे ज्यादा रन बनाया। यहां तक कि वॉशिंगटन सुंदर ने 27 और आवेश खान ने 16 रन बनाए। सुमन गिल ने 31 बनाया जो कि हाईएस्ट था, तब जाकर भारतीय टीम 19.5 ओवर्स में 102 रन बना सकी। इस मैच में टीम इंडिया को 13 रनों के बड़े अंतर से हार मिली। जैसे ही टीम इंडिया मुकाबला हारी वैसे बड़े बड़े दिग्गजों ने कई बड़े बातें बोली। जैसे यहां पर दोस्तों साउथ अफ्रीकन टीम के बॉलर डेल स्टेन ने कहा कि टीम इंडिया ने लगता है टी20 वर्ल्ड कप तुक्का से जीत लिया था। हर बार की तरह हमारी किस्मत खराब थी, वरना टीम इंडिया कभी भी टी20 वर्ल्ड कप जीतने के लायक टीम है ही नहीं। जिस तरीके से साउथ अफ्रीका से हार रहे हैं उनका टी20 वर्ल्ड कप जीतना कहीं से भी नहीं बनता है। उसके बाद दोस्तों जिम्बाब्वे के खिलाफ भारतीय टीम के हारने के बाद साउथ अफ्रीका के और खिलाड़ियों ने भी मजाक उड़ाया। उसके बाद टीम इंडिया के फैंस भी काफी नाखुश हैं। ट्विटर पर लगातार इस बात चल रही है कि अभी टी20 वर्ल्ड कप जीते हमें 4-5 दिन ही हुए थे, खुशी का माहौल 4-5 दिन नहीं बीता कि भारतीय टीम एक मुकाबला हार गई और हम 10 दिन भी टी20 वर्ल्ड कप की खुशी को मना नहीं सके और हम हार कर एक और गम लेकर बैठ गए। जिम्बाब्वे से हारना कतई दिल तोड़ देने वाली बात है। ऐसा लिखा जाएगा कि वर्ल्ड कप विजेता तुरंत जिम्बाब्वे से हारी थी, जो कि काफी दुखद है। आप किस पर क्या राय है दोस्तों, अपनी राय में नीचे कमेंट में जरूर बताएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।